साला 1200। नीना जी, वैसे आपका कोई इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में? नहीं, कभी भी नहीं रहा ही नहीं, पता ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कौन कौन है खिलाड़ी और क्या नाम है। और ये बैडमिंटन तो खेलती थी बच्चों वो मतलब लाइक पिट्टू वाली खो वाली हूँ मैं। हाँ, मैं ये नहीं हूँ क्रिकेट फुटबॉल ये सब नहीं पता। चले बचपन में नहीं रहा, मगर उसके बाद इतना बंदा देखता है, आपकी इंटरेक्शन रहती है क्रिकेटर्स से रहती है। क्रिकेटर्स आते हैं तो एक फोन जाता है सवेरा को, सवेरा बता दो, सवेरा क्या है, क्या क्या किया इन्होंने। अच्छा। ये सवेरा, इसके हस्बैंड, ये मिलके मेरी हेल्प करते क्योंकि मेरे मियां और मुझे बिल्कुल क्रिकेट का कुछ नहीं पता। बल्कि ये क्रिकेट का मैं देख रहा हूँ आपस क्या कितने गोल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही। मगर एक चीज मुझे बताइए, ये वैसे आज से 6-7 साल पहले मॉर्निंग शोज का एक बड़ा मुकाबला चलता था। जी जी, आप कर रही थी उस वक्त भी, शाइस्ता भी कर रही होती थी, फिर नादिया खान भी कर रही होती थी, ये तीन प्रोमिनेंट। नादिया खान जब नहीं कर रही थी तब मैं आई हूँ, तब आप उनके बाद आई। मगर इवेंचुअली माशाल्लाह अभी तक यू आर द ओनली वन फ्रॉम दैट यू नो, वो जो तीन बड़े थे उनमें से जो अभी तक स्टिक किए हैं इससे। बस वो शायद मैं वो पिच पे जो आहिस्ता आहिस्ता नहीं खेलते जो ये मिसबाउल हक है। आपको पता है मिसबाउल हक कौन है? जी जी, वो पता है, मैं उनसे मिली हूँ। वो क्या है? वो ये नहीं पूछेगा, बैटर है वो, बहुत अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैटर। सारी बातें नहीं पूछते, बताओ ये है ना, बताओ बहन, बहुत अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैटर है, पाकिस्तान के कप्तान रहे फॉर द लॉन्गेस्ट। मगर आप मतलब एक इंसान से मिली, आपने उनका इंटरव्यू भी किया होगा, तो आपको ये नहीं पता कि वो क्या। आप ये बात कर रहे हैं, मैं और यासिर किसी चैनल पे इंटरव्यू के लिए इनवाइटेड थे, तो जैसे हम दो बैठे ना यहाँ, वहाँ दो कपल्स थे। सो हमारे साथ उस जमाने में, बहुत पहले की बात बताई, दिनेश कनेरिया थे, अपनी बीवी के साथ आए हुए थे, अल्लाह वो देख ना ले। सो मैं और यासिर जो है आपस में बात कर रहे हैं, यार कौन है ये, समझ नहीं आ रहा कौन है, मतलब इनके साथ हमारा इंटरव्यू होगा, हमारा कोई कुकिंग का मुकाबला था। अब यासिर मुझे कौन नहीं मारे, मैं उसको कौन नहीं मारूं। फिर हमने खुसर पुसर करते करते हमने जाके उनसे ही डायरेक्ट पूछ लिया, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हैं आप, कहाँ से हैं आप। उन्होंने बताया, उनकी वाइफ भी थी, तो फिर पता चला हमें किसी ने बताया, भाई ये दिनेश कनेरिया है। अच्छा। तो मतलब ये वाले ब्लंडर्स भी हो, ये तो बहुत 92 वाला तो बहुत लेटेस्ट है। मगर वैसे जब ये हो जाता है, ऐसी कोई बात होती है, तो आप उसके बाद क्या कॉल वॉल करती हैं और कुछ बात करती हैं उनसे या नहीं, क्या कहती हैं? हिम्मत रखो, हमको आदत है। अच्छा, ये सिर्फ अभी होना शुरू है या पहले भी बचपन में भी? खानदानी है ये। नहीं, मगर आप उनको बिना करें खानदानी में वो भी आ जाती है। नहीं नहीं, हमारी हर पीढ़ी में एक पीस ऐसा। सारी बातें की मतलब आपकी पीढ़ी में हर पीस एक ऐसा है, हमारे हर मूडे में एक पीस ऐसा है। मगर यानी कि आप बचपन में भी ऐसा कर लेती थी? हाँ, मतलब वो होता था जैसे अब्बू की जेनरेशन में पुप्पो थी हमारी। अच्छा। वो खानदान में थी, पुप्पो ने ये कह दिया, पुप्पो ने वो कह दिया, फिर उसके बाद मैं आई इस जेनरेशन में, आप पुप्पो हैं ना, मैं पुप्पो, निदा ने ये कह दिया, निदा ने। अब वो देखे ना, वो लाइव शो है। हाँ। और आप फेक नहीं बन सकते, जैसी हूँ वैसे पता चल गया सबको, भाई ये पुप्पो है सबकी। ये भी होता है, मे बी आप इतना ज्यादा यू नो, आपकी इंटरेक्शन इतने ज्यादा लोगों से, इतने ज्यादा वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग, हर रोज आप महीने में 20 दिन आप मिल रही है, तो कहीं पे जंबल अप हो जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, और इंसान कितनी को इन्फॉर्मेशन रख पाए कि आप कभी नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन याद रहती है मेरे पास। कोई सेलिब्रिटी आता है इंटरव्यू के लिए, उसके तो मतलब अबाव अजदाद के बारे में भी मुझे नॉलेज होती है। अच्छा। जो मेरा काम है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से खोद खोद के नॉलेज निकाल लेती हूँ, ये कहाँ है, ऐसे क्या इन्होंने किया, क्या नहीं करना चाहिए था वो भी कर लिया। सो वो प्रॉब्लम नहीं है। बचपन से ही इंक्यूजिटिव है? हाँ हूँ, तो इंक्विजिटिव है, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, बहुत शदीद हार्ड वर्क, शदीद हार्ड वर्क। हमने, मेरा नहीं ख्याल है एग्जाम्स में कभी ऐसी तैयारियां की हैं जैसे निदा करती थी। निदा के एग्जाम्स होते थे तो हमारे घर में सन्नाटा होता था, और आपका जब एग्जाम होता था तो रिजल्ट के बाद सन्नाटा होता था। मैं चिल चिल, एग्जाम से पहले शोर होता था, वो मेरी पिटाई का शोर होता था, और उसके बाद सन्नाटा होता। अच्छा, ये भी यानी कि हो चुका हुआ है? अरे बहुत बहुत पिटी हुआ है, ये बहुत शरारती हमारी बहन थी भाई। अच्छा, सबसे छोटी। और आपको कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं। क्या वाकया पेश आया ये वाला जो इनके साथ होता था? ये मुझे बचाने के लिए। हाँ, पूरी जिंदगी पढ़ाई में वाओ नहीं रही, एवरेज रही, लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी लाइफ में आई, कॉलेज लाइफ में आई, तो हम तो हैरान रहे, ये तो अच्छे नंबर इसके कैसे आ रहे हैं, एकदम ना ये पलटा खाया। MBA में बहुत अच्छी CGPA थी। अच्छा। यस। वाह वाह वाह। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे आपको
पता है उनकी एमबीए में बहुत अच्छी सीजीपीए थी। हाँ, आपको पता है ना सीजीपीए क्या? भाई मैंने फिजिक्स में ऑनर्स किया हुआ है, फिर होटल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है, दो साल जर्मन भी आती है। हाँ। अच्छा खासी पढ़ी लिखी जर्मन भी आती है आपको? जी, दो साल मैंने जर्मनी में रहे। तो आप बोलती क्यों नहीं है जर्मन? जरा सुनाए हमें कुछ। इशाबन इन डॉयचलैंड गेलेब आइन उन लैब यागर। 1.5 साल ये जर्मनी में रही है। आगे बोलिए। अच्छा, और क्या? मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर सकती हूँ। हाँ, आप वही कर दीजिए। मैं बहुत छोटी थी। और आप हमें यासर भाई के बारे में कुछ बताइए जर्मन में। यासर इश्लीबर डिश, आई लव यू यासर। ठीक है, अब कुछ ऐसे ही बोल रही हूँ ना, हल्का फुल्का बोल रही हूँ। मगर ये तो आप बकायदा यानी कि बोल लेती हैं। और जी जी, मैंने 2 साल पढ़ाई की, क्लास 4th और 5th जर्मनी में पढ़ी है। और आपको अभी तक याद है सारा? काफी। आप जर्मनी गई हैं अभी रिसेंटली? जी जी, मैं जाती रहती हूँ, मेरा ननिहाल है उधर। अच्छा, तो आप तो जाके तो यासर भाई साथ जाते हैं? जी जी। तो वो वहाँ पे क्या करते हैं? बड़ी शो मारती हूँ उनके साथ। बड़ी शो मारती हूँ। मगर आप तो बोल लेती होंगी, वो क्या कर रहे होते हैं उसमें? मेन्यू पढ़ के बताती हैं। लेकिन जर्मनी आप बोलेंगे हमें समझ नहीं आएगी, ये समझ सकते हैं, वो थोड़ी डिपोर्ट होने चाह रही है। वैसे मुझे बताएं, आप अपना शो तो इतना, आपका बिजी स्केड्यूल रहता है पूरे वीक की, आप रोज सुबह उठ के, एक तो आपकी रूटीन बड़ी जबरदस्त होगी जो सुबह उठने वाली, मगर आप और लोगों के भी काम देखती हैं, क्योंकि आपका एक प्रोड्यूसर का भी एक एंगल है। मैं ड्रामे देखती हूँ। ड्रामे देखती हूँ शोज से ज्यादा मैं ड्रामे देखती हूँ। आप लोगों के शोज भी देखती हूँ। ये तो हमारा दिल रखा ना। मगर आप दूसरों के शोज वगैरह देखती हैं? हाँ, मैं देखती हूँ। And do you like them? मैं रिसर्च करती हूँ, मतलब जो जाहिर है मेरे शो पे इतने सारे गेस्ट आते हैं, उनको इंटरव्यू करना होता है तो उनके बारे में जानना जरूरी है। दिस इज माई होमवर्क। तो मैं देखती हूँ, ड्रामे भी देखती हूँ। आप भी देखती हैं दूसरे स्पोर्ट्स शोज? मैं स्पोर्ट्स शोज बहुत देखती हूँ, बट मैं ड्रामास बिल्कुल भी नहीं देखती। तो नई एक्ट्रेसेस को मैं बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा। हाँ, जैसे निदा को क्रिकेटर्स का नहीं पता, मेरे सामने आप नई एक्ट्रेस खड़ी कर देंगे कोई, तो आप माजरत कर। वर्ल्ड कप के बारे में बताएं कि क्या बनेगा पाकिस्तान टीम का? उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है कि बहुत सारे मैचेस खेलने हैं टीम पाकिस्तान, कहीं ना कहीं तो अच्छा करेगी। क्रिकेट की जो बातें करती है ऐसा लगता है ये मेरी बहन ही नहीं है। हाँ जी, अच्छा। मैं किसी और दुनिया की लगती हूँ, किसी और दुनिया की ऐसी बातें करती मैं सुनती होती हूँ, इम्प्रेस हो रही होती हूँ, हाय अल्लाह आ गया। मगर आप दोनों आपस में होता है क्रॉस टॉक करती है, लाइक आपसे वो स्पोर्ट्स के बारे में बहुत बातें, हम बहुत बातें, और आप उनसे कोई ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में? अच्छा, मजे की बात क्या है, हमारी एक तीसरी बहन है जो हम दोनों के बीच में, सिना, ये दोनों ना ड्रामास की बात कर रही होती है, पता है वो फलानी, अब मैं बेवकूफों की तरह देख रही होती हूँ क्या बात हो। वो एक ऐसी है जिसको क्रिकेट का भी दोनों पता, पता है, इस फील्ड का भी पता है। आप दोनों के दरमियान वो सबसे ज़हीन बहन है, उसकी सबका पता है। इंग्लिश वोकैबुलरी, उर्दू वोकैबुलरी, जर्मन वोकैबुलरी, वो इनसाइक्लोपीडिया है। जी हाँ, कोई मुश्किल होती है हमें, हमारी वो डिक्शनरी है घर। यस, जो इसको हो या मुझे हो, सो हम उधर नंबर डायल कर हर मुश्किल हल कर देते हैं। जी वो ऐसी है। इंडिया जो ओपनर होना नहीं पाई थे, फिर कोशिश यही कर रहे हैं अभी। निदा, आप हफ्ते में 5 दिन शो करती हैं और इतने सालों से आप शो करती आ रही हैं, और हर शो में आपने खूबसूरत सा एक जोड़ा पहना होता है। जी हाँ, तो आपकी अभी भी कोई चाह रह गई है नया सूट खरीदने की? अब आपको पता है मेरी जिंदगी में एक नई चीज हुई है कि मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की है। अच्छा। मैं फैशन पढ़ रही हूँ, इंडस वैली से फैशन का कोर्स कर रही हूँ, और ये कपड़े मैंने खुद ही डिजाइन किए हैं। तो अब जो है वो सबके कपड़े पहन पहन के अब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। सो मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता फिर बिजनेस पढ़ूंगी, शॉर्ट कोर्सेज करूंगी, फिर मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगी इंशाल्लाह।